सो गाइस आपका स्वागत है दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद मैच नंबर 33 के फुल मैच हाइलाइट्स में। सबसे पहले अगर हम टॉस के बारे में बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम टॉस जीतती है और बैटिंग करने का फैसला करती है, बट दोस्तों उनका ये फैसला कहीं से भी सही नहीं होता। हमें ओपन करते हुए नजर आते हैं डेविड वार्नर अलॉन्ग विद यहाँ पे दोस्तों रिधिमान शाह, बट दोस्तों डेविड वार्नर शून्य के स्कोर पे आउट हो जाते हैं और इस तरह से पहला बहुत बड़ा झटका लगता है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें एक पार्टनरशिप बिल्ट होती हुई नजर आती है बिटवीन रिधिमान शाह एंड केन विलियमसन। हालांकि दोस्तों केन विलियमसन जो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, बट दोस्तों रिधिमान शाह इस बीच में हमें देखने को मिलते अच्छे शॉट्स लगाते हुए नजर आते हैं, बट दोस्तों कहीं ना कहीं पेस बढ़ाने के चक्कर में रिधिमान शाह जो है रबाडा की गेंद पे आउट हो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हमें एक शानदार कैच भी देखने को मिलता है शिखर धवन की तरफ से, जो कि इसे सेलिब्रेट भी बहुत ज्यादा करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो केन विलियमसन और मनीष पांडे हमें क्रीज पे नजर आते हैं। अगेन दोस्तों सेम चीज बोलना चाहूंगा केन विलियमसन के बारे में कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। हालांकि दोस्तों मनीष पांडे इस बीच में कुछ शॉट जरूर लगाते हुए नजर आते हैं और दोस्तों जैसे लग रहा था इनके बीच में एक पार्टनरशिप डेवलप हो रही है, वैसे दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि केन विलियमसन आउट होते होते बचते हैं जस्ट बिकॉज उनके बहुत सारे चांसेस मिस कर देती है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। हालांकि दोस्तों लास्ट में ये जरूर देखने को मिलता है कि इतने चांसेस मिस करने के बाद जो है दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो है फाइनली आउट कर पाती केन विलियमसन को, बट दोस्तों केन विलियमसन इतने मौके मिलने के बाद भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो मानो विकेट्स की जो है लाइन लग गई जस्ट बिकॉज बैक टू बैक यहाँ पे जो है विकेट्स गिरते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के लिए, बट दोस्तों इसके बाद हमें अब्दुल समाद देखने को मिलते हैं जो कि बहुत तगड़े शॉट्स लगाते हुए नजर आते हैं और उनका साथ देते दोस्तों जेसन होल्डर। अब दोस्तों लगता है जैसे कि जेसन होल्डर सेट हो चुके हैं पूरी तरह से और लग रहा था कि बड़े शॉट्स के लिए जाएंगे, दोस्तों वो ऐसा ही कुछ करते भी हैं और ये इंटेंट साफ नजर भी आ रही थी, बट दोस्तों ये कहीं ना कहीं गलत साबित होता है और जेसन होल्डर भी अपना विकेट गंवा देते हैं। इसके बाद दोस्तों अब्दुल समाद कंटिन्यू रखते हैं, बट दोस्तों यहाँ पे विकेट स्टिल गिरते रहती है और लास्ट में देखने को मिलता है कि राशिद खान आते हैं और यहाँ पे अब्दुल समाद भी आउट हो चुके थे और राशिद खान दोस्तों यहाँ पे अच्छे शॉट्स खेलते हैं, छोटी सी पारी खेलते हैं, यहाँ पे राशिद खान भी रनआउट होते हैं, बट दोस्तों इनकी पारी के बदौलत जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक डिसेंट टोटल पे यहाँ पे पहुँच गई थी और 134 रन दोस्तों यहाँ पे बना दिए थे हैदराबाद की टीम ने। जो स्कोर कार्ड अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हो तो दोस्तों कोई भी बड़ा स्कोर तो हमें देखने को नहीं मिला, बट स्टिल गाइस यहाँ पे डिसेंट टोटल था और बॉलिंग बहुत ही अच्छी हमें देखने को मिली। दोस्तों अगर आप आंद्रे नॉर्तजी के बारे में बात करो तो 4 ओवर में 12 रन देकर 2 विकेट्स भी लिए। सेकेंड इनिंग के बारे में बात करें दोस्तों तो पृथ्वी शॉ जो है बहुत जल्द आउट हो जाते हैं, सिर्फ 20 रन के स्कोर पे जो है दिल्ली कैपिटल्स का पहला विकेट गिर जाता है और यहाँ पृथ्वी शॉ अपना विकेट गंवा देते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बिल्ट होती हुई नजर आती है बिटवीन श्रेयस अय्यर एंड शिखर धवन। हालांकि दोस्तों यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा कि श्रेयस अय्यर जो है स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, बट दोस्तों यहाँ पे जो है मैच का पेस बनाए रखा शिखर धवन ने, बहुत तगड़े शॉट्स लगाए, बट दोस्तों लास्ट में हम देखते हैं 42 रन बनाने के बाद जो है शिखर धवन जो है राशिद खान का शिकार हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से झटका लगता है, बट गाइस इसके बाद कैप्टन ऋषभ पंत हमें देखने को मिलते हैं जो कि कुछ तगड़े शॉट्स लगाते हुए नजर आते हैं। 19 गेंदों में दोस्तों 30 रन की पारी भी खेलते हैं यहाँ पे और दोस्तों उनका साथ निभाते हैं यहाँ पे श्रेयस अय्यर, जो कि दोस्तों कुछ समय के बाद लाइन में वापस आ जाते हैं। और दोस्तों इस तरह से यहाँ पे जो है हमें लास्ट में देखने को मिलता है श्रेयस अय्यर विनिंग शॉट लगाते हैं और दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो है इस मैच को आसानी से जीत लेती है, वो भी 13 बॉल्स पहले और 8 विकेट्स बचे हुए थे। अब दोस्तों स्कोर कार्ड अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हो तो दोस्तों शिखर धवन ने भी बहुत अच्छा किया और दोस्तों श्रेयस अय्यर ने भी बहुत अच्छा किया और ऋषभ पंत ने भी बहुत अच्छा किया। बॉलिंग व्यूअर्स अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हो। दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप बता सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में।